यारों का जश्न है। दादी कूल, यहाँ पे तो कोई भी कमाल नहीं है। अरे कमाल तो मैं हूँ पगले, तेरी दादी कूल। अरे लेकिन आप बोल कहाँ से रही हो दादी कूल? तेरे पीछे से। पीछे तो तीन तीन बाइक खड़ी हैं, लेकिन दादी कूल नहीं है। ऊपर देख। ऊपर तो पेड़ है। पाए देख। पेड़ कहाँ हो दादी कूल, कहाँ से बोल रही हो? क्यों यारों के साथ आप खेल रही हो? कमाल तो ये है मेरे प्यारे पोते, अब हम जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे को सुन सकेंगे, एक दूसरे से ना बात कर सकेंगे, वो भी बिना किसी फोन के। दादी कूल, ये तो बहुत ही कूल है, आप कैसे कर लेती हैं ये सब? दादी हूँ बताती हूँ, पहले वो जो स्कूटर है उसके पास जा। पास में आ गया स्कूटर के, लेकिन यारों को जो स्कूटर दिख रहा है वो आपको कैसे दिख रहा है? वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ यारों, पहले ना उसे थोड़ी खुजली कर। स्कूटर को खुजली? दादी कूल, क्या आपको पक्का यकीन है कि स्कूटर को भी खुजली होती है? यहाँ पे आते जाते लोग यारों को देख के हंस रहे हैं। अरे यारो, तू कितना भोला पोता है मेरा, तुझे नजर ना लगे। अच्छा चल, ये स्कूटर को ना खुजली करना बंद कर। अरे मैं तो मजे ले रही थी, मजे लिए बगैर किसी भी काम में मजा नहीं आता। दादी कूल, आप यारों के मजे क्यों और कैसे ले रही हैं? प्लीज बताइए। अरे मैं तुझे बताना चाहती थी यारो, अब तू जो देख सकता है ना वो मैं भी देख सकती हूँ। अब ये दादी कूल अपने पोते की आंखों से दुनिया देखेगी। अरे लेकिन कैसे किया दादी कूल आपने ये? अरे यारो, तुझे बताया तो था मैंने तेरे पापा के लैपटॉप से प्रोग्राम चोरी किया था और इस गैजेट में फीड किया था। हुँ? और उसी प्रोग्राम की मदद से अब मैंने ये चश्मा बनाया है। इस चश्मे की वजह से अब जो तू देख सकेगा ना वो मैं भी देख सकूंगी। देख देख, वो देख, तेरे सामने से कितनी सुंदर सुंदर कुड़िया जा रही है। हाँ दादी कूल, जा रही है। सुन यार, हर दादी का ना एक सपना होता है कि वो अपने पोते के लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ कर उसका घर बसाए। तो तू एक काम कर, वो जो लड़कियां गई है ना उसके पास जा, मैं उसे यहाँ से देखकर पसंद करूंगी तेरे लिए। ओह माय गॉड, दादी कूल आपने ये गैजेट यारों को सुपर हीरो बनाने के लिए बनाया है, या फिर आपने लड़कियां देखने ताड़ने और पटाने के लिए बनाया है? पापा कहते हैं लड़की देखना बुरी बात होती है। नहीं देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा दादी कूल। अरे कमाल है ये मेरा पोता भी। स्ट्रॉबेरी शेक, तुम्हारे दो आंखों के ना कितने स्वीट है ना, स्ट्रॉबेरी शेक और तुम्हारी आंखें भी। अरे छोड़ो छोड़ो ये स्ट्रॉबेरी शेक, प्रोटीन शेक पियो, इससे तुम्हें ना कुछ बेलगाम आशिकों की पिटाई करने की ताकत मिलेगी। पियो पियो। हाउ स्वीट। हेलो अमर, हेलो प्रेम, हेलो जिल, हेलो शिल्पी। हाय। अरे अरे यारो, वो देख इतनी सोनी लड़की है ना, यारो उस लड़की के पास जा और उसे डांस करने के लिए कह। नहीं यारो, जिल के साथ डांस नहीं करेगा। सिर, ये क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, मैंने कब कहा इसे डांस करने के लिए मेरे साथ? क्या कर रहा है बे? तुमने नहीं कहा, दादी कूल ने कहा। दादी कूल बोल रही है। यारो मैं तेरी दादी कूल हूँ ना,
तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं यारो, आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा दादी। कूल, इस जिल के साथ डांस नहीं करेगा। क्या, ये क्यों ऐसी अजीब अजीब सी बातें करके मुझे डरा रहा है? हाँ हाँ, अरे क्या कर रहा है यार तू, उसे डरा क्यों रहा है, कितनी नाजुक सी है। तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठ जाओ, यारो तुम्हारे साथ नहीं नाचेगा। डांस तो तेरा बाप भी करेगा, अब देख। यारो, अब उस लड़की के पास जा और जाकर उसे इस तरह बैठ प्रपोज कर। और जिल के साथ ये नाच रहा है, वाह। मम्मी जी, यारो तुम्हें ये क्या हो गया, अचानक से तुमने मुझे फेंक क्यों दिया? मम्मी जी, ये क्या कर रहे हो आप? मम्मी जी, ये अजीब सा चश्मा पहन के कर कर के अकेले डांस क्यों कर रही हैं आप? मैं फिर से डांस कर रही थी। हाँ, अब कैसे बताऊं? कैसे भूल भुलैया में विद्या बालन आमी जो तुमार। वो गाती है ना, उसमें भूत होता है। वैसे मुझ में भी ना एलियन है जो मुझसे डांस करवाता रहता है। मम्मी जी, आप सच सच बताइए कि आप आपके साथ हो क्या रहा है? अब सच कैसे बताऊं इन दोनों को? आइडिया, अपना फार्मूला एवरग्रीन यूज करती हूँ। ये क्या हो रहा है? बेटा, मुझे यारो। दादी कूल, आप जमीन पर उधर बैठी होंगी, यारो इधर जमीन पर बैठा है, यारो की बॉडी को फ्री छोड़ दीजिए प्लीज। मम्मी जी चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझे क्या हुआ है? मुझे हाँ, मुझे ना वो शुगर लो हो गई ना, तो कुछ खा के अपने रूम में जाके सो जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ मैं। यारो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, अब सब नॉर्मल है, मेरी बॉडी मेरे कमांड में है, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपकी मम्मी जी मुझे लग लग के बहुत ही अजीब लगती हैं। आई माइंड, शी इज माय मदर, होप यू डोंट माइंड। देखो यारो अब क्या कर रहा है। अरे यारो तू वापस आ गया, वो लड़की कहाँ गई? दादी कूल, आपने यारो के साथ अच्छा नहीं किया, आपने उसको जिल के साथ क्यों डांस करवाया? अरे यही तो उम्र है तेरी डांस करने की, बुढ़ापे में डांस करेगा क्या? नहीं दादी, यारो हमेशा यंग रहेगा, वाई फॉर यारो, वाई फॉर यंग फॉरएवर। अरे अरे वो देखो काला कौवा आ रहा है। ये तो चतुर्वेदी अंकल है, कौवा नहीं। भाई साहब हेलो, ये क्या है, एक ब्रश लेके इसमें पेंट कर रहे हो या इस दीवार को टूथपेस्ट करा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यार? साहब एक पेंटर लगाए पूरे मोहल्ले में पेंट करने के लिए, तो टाइम तो लगेगा ना पेंट करने में, दिन तो रुक जाइए। ऐसा है ना, न पेंटर और न कारपेंटर के लिए चतुर्वेदी रुकता नहीं है किसी के लिए। देखा कैसे काले कौवे की तरह काए 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 कर रहे? हाँ देख रहा हूँ। यारो पेंट का डब्बा पड़ा है ना, वो उठाकर इसके टकले में डाल। नहीं दादी कूल, यारो ऐसा नहीं करेगा, यारो चतुर्वेदी अंकल पे पेंट फेंकेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, बहुत गंदी बात है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानती थी यारो तू ऐसा ही करेगा, कोई बात नहीं, ये काम तुम्हारी दादी कूल करेगी। दादी यारो पेंट का डब्बा उठाओ, पड़ा हुआ दीवार है, अभी तो एक पेंट नहीं हुआ। चतुर्वेदी अंकल या हेलो मार, तुम जो है दिमाग से पैदल हो क्या, तुम्हारा दिमाग भसूल हो गया है क्या? चतुर्वेदी अंकल अपनी भलाई चाहते हैं तो झुक जाइए। हेलो मार, तू पगला गया है क्या? अरे चतुर्वेदी किसी के सामने झुकता नहीं है, चल हट। हटो नहीं, झुको। Ha ha ha!
चतुर्वेदी अंकल, यारों ने आपको कहा था कि झुको, आप झुके ही नहीं। चुप! अरे आज तो गुस्से की वजह से हमारे पूरे बदन में आग लगी हुई है। अरे ज्वालामुखी पनप रही हमारे जिगर में। चतुर्वेदी इस आग में ना सबको जला के राख कर देगा, तुम्हारी तो एकदम ठोकर के रहेगा। अभी मैं तुम्हारी शिकायत ना अग्रवाल साहब से करता हूँ। वैसे ये मेकअप तुझ पर जच रहा है। ये जो कारनामा है ना आपके इस लोमड़ पोते ने किया है। अब मैं जा रहा हूँ अग्रवाल साहब के पास, भर भर के शिकायत करूंगा, इसकी मैं ठोकर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए अब हटिए सामने से आप, अब हटिए। दादी कौन? कुछ कीजिए नहीं तो पापा से यारों को डांट पड़ेगी। चतुर्वेदी क्या है? नीचे आओ। क्या तुझे क्या लगता है? मुझे पता नहीं कि मुझे देखकर तेरी हवा क्यों टाइट होती है। अरे पहचान तो मैं तुझे पहले ही गई थी, बस तेरे डंडे बज जाने का ना सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अरे चतुर्वेदी के ऊपर डंडा कोई नहीं बरसा सकता, समझी ना? अच्छा भूल गया कैसे मैं तुझे बचपन में मुर्गा बनाया करती थी। तेरा दिमाग ठीक करने के लिए मैं तुझे घुटनों की एक्सरसाइज कराती थी, भूल गया वो उठक बैठक? अब सोच चतुर्वेदी, अपने घुटनों पे पूरा जोर देकर सोच। अगर तू मेरे यारों की चुगली करेगा तो ये मुर्गा बनाओ स्पेशलिस्ट तेरी ठोकी ठोक कैसे बजाएगी? हाँ चल चल गोजे मुर्गा बन। ये हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हुआ तो क्या हुआ, चल चल मुर्गा बन। अरे मुर्गा बन, चल मुर्गे की तरह पक पक कर। चल अब अंडा दे। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए क्या है ना कि इस उम्र में मुर्गा बनने का जो सदमा है ना वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारी एकदम टो जाएगी। टो तो बताओ यारों की चुगली करेगा? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे इसकी शिकायत कौन करेगा? कोई नहीं। अरे ये जो है ना, अरे ये बड़ा मासूम है, बड़ा क्यूट है। बेटा तुमने ना अपने अंकल के ऊपर बड़ा एहसान किया है। क्या है ना कि जो ये अमावस की रात है ना वो हमारी बड़ी फेवरेट रात होती है। बेटा तुम्हें काम करना है, अगली बार ना हमारे ऊपर चांद बना देना। अच्छा अच्छा ना से जा रहे ना। यस दादी कूल, आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कूल हैं। आपकी कूलनेस की तो क्या तारीफ करूं। अरे यारो दुनिया में अगर सीना चौड़ा करके जीना है ना तो शाना बन के जीना पड़ता है। ओके दादी कूल। यारो अपने पापा से बोल के अपना सीना और चौड़ा करवा लेगा। अरे साइज में नहीं, सीना चौड़ा करके जीने का मतलब कि शान से जीना है। ये दुनिया है ना, दुनिया बड़ी खराब है, ये चैन से जीने ही नहीं देती। दुनिया खराब नहीं है दादी कूल, दुनिया बहुत अच्छी है। अरे अगर दुनिया अच्छी होती तो सुपर हीरो की जरूरत क्या थी? तुझे सुपर हीरो बन के ये दुनिया की ना खराबी ठीक करनी है, तेरी ट्रेनिंग चालू रहेगी। यस! ये भगवान ये हो के हो क्या रहा है, गैस ही ऑन नहीं हो रही है, घिस घिस के कितनी तीलियां घिसूं। बीना जी माना के जिगर में बड़ी आग है लेकिन स्टोव ऑन करने के लिए गैस भी ऑन करनी पड़ती है। हाँ पता है मुझे अग्रवाल साहब, ये देखिए देखिए बटन ऑन है फिर भी नहीं हो रही है। यहाँ से तो ऑन है लेकिन जरा नीचे देखिए ना। हाय राम, ये सिलेंडर कहाँ गया? अरे सिलेंडर खत्म हो गया है, मम्मी जी गई है यारों के साथ नया सिलेंडर लेने के लिए। जी नहीं वो पॉसिबल नहीं है, सिलेंडर कल खत्म हुआ था और लगा लगा के नया सिलेंडर मैंने खुद लगाया है। क्या जी? तो फिर मम्मी जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं मम्मी जी और यारो दोनों मिलकर कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? मुझे तो वो सब नहीं पता,
आज मम्मी को खा खा के खिचड़ी खानी थी, बिना गैस के मैं बना बना के खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? अरे बीना जी, जो खिचड़ी बिना गैस के पकती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। दादी कूल, दादी कूल, दादी कूल। अरे धीरे बोलना, लोग सुनेंगे। क्या हुआ? दादी कूल, बहुत कार्टून वाली फीलिंग आ रही है, सुपर हीरो वाली फीलिंग नहीं आ रही। हाँ यारो, एलपीजी मैन, जब भी किसी के घर में गैस खत्म हो जाए तो यारो को बुलाओ, यारो गैस भर देगा। अरे यारो, तुझे गैस नहीं भरनी है, आग के गोले छोड़ने हैं देश के दुश्मनों पर। दादी कूल, यारो ऐसे आग के गोले छोड़ेगा तो यारो के पापा नाराज हो जाएंगे। मैंने पहला सुपर हीरो देखा है जो अपने पापा से डरता है। वैसे तेरे पापा को ना पता ही नहीं चलेगा मैंने तेरा ट्रैक और अपना फोन ऑफ कर दिया। चल किसी सुनसान जगह पे ना जाके प्रैक्टिस करते हैं, आजा। आज का दिन तो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज तेरी सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। देख वो जो सामने पत्थर पड़े हैं ना, सोच ये चोर लुटेरे हैं। नहीं वो पत्थर ही हैं। अरे सिर्फ मानना है। ओके मान लिया। बरसा दे इन पर इंसाफ की आग के गोले। अरे अरे लाजवंती है, तुम्हारा तो पटोला खत्म हो गया, एकदम खो भाई तू। क्या करूं? चतुर्वेदी, अरे तुम्हारा दिमाग ना वो तो बंद स्कूटर से भी ज्यादा एकदम ठो है। कितना कलर अच्छा है भाई तुम्हारे स्कूटर का। अरे यहाँ पे पेट्रोल भरा जाता है, बहुत अच्छा स्कूटर है तुम्हारा। तो ठीक जाओ मजा करो। यारो जैसा मैंने तुझे समझाया है, ये ग्लव जो है ना इस पाइप के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही मैं सिलेंडर का नॉब ऑन करूंगी तुम्हारे हाथ से आग निकलने लगेगी। अरे बाप रे, ये दिन में दिवाली कौन मना रहा है? अरे वाह यारो वाह। बस समझ ले, इसी तरह बहुत सारे चोर लुटेरे हमारे मुल्क में भरे पड़े हैं, हमारे मुल्क को लूट रहे हैं। तुम्हें उन सबको सबक सिखाना है, किसी को भी छोड़ना मत। ओके दादी कूल, किसी भी चोर को नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.